लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। शाखा का बस चले तो हर मंडप चला दे, यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है। अरे देशमुख साहब, ये तो पैदाइशी नेता है। 15 अगस्त को सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ था। आजादी का दिन बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा था। निहायत बेवकूफ हो तुम, जिसे लातों से मारना चाहिए था उसे हाथों से क्यों मारा? ऐसे भी चिल्लाओ मत। शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, एक लड़का होता है। सुना, लड़का होता है। नशीली दवाइयां, नाजायज हथियार बेचने वाला देशद्रोही है। देशद्रोही? अरे भाई, मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ। गेहूं और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगा। ये करण ने अच्छा नहीं किया पीताम्बर। हमारे हथियार ने हमारे ही आदमी को मार डाला, ये उसने अच्छा नहीं किया। वो क्या समझता है, राजू की जिंदगी बचा पाएगी? नहीं, वो तो जरूर मरेगा। और जो कोई भी राजू और उसकी मौत के बीच में आए, उसे भी उड़ा दो। अरे तू मेरी गर्दन के साथ क्या कुश्ती कर रहा है? ये सीधी होने वाली नहीं है। देश विदेश के डॉक्टर इसे सीधा नहीं कर सके तो तू क्या करेगा? हट। हर बार उसे निराशा होती है, उसके साथ धोखा होता है। आपके राज में भी ऐसे ही हो रहा है। क्यों सर? लगता है तुम अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते हो। आज महाराष्ट्र के हर घर में कलर टीवी और हर गांव में डिश। नया है बेटा, मैंने खेल पुराने खेले है। जिन लोगों के दम पे तू उछलता है वो हमारे पुराने चेले। आल तू जलाल तू बोलना रे फालतू, आल तू जलाल तू बोलना रे बोलना रे, आल तू जलाल तू बोलना रे फालतू, योगड़ा सब पा तेरा पाल ना पाल।